करते उसके पहले कुछ नहीं करना, कुछ नहीं छेड़ना। जय भीम साथियों, आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपने जन्मदिन पर पहले मैंने अपने सभी महापुरुषों को माल्य अर्पण किया है, उनका आशीर्वाद लिया है। दूसरा, मैं अपनी एक बात आप लोगों के बीच में यहाँ रखूंगा। सबसे पहले परम पूजनीय बाबा साहब को नमन करते हुए, तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, सदगुरु रविदास जी महाराज को, सृष्टिचेता भगवान वाल्मीकि महाराज को नमन करते हुए, पैरियर साहब को, बिरसा मुंडा, गुरु नानक देव को, कसंत कबीर को, भगत सिंह को, उधम सिंह को, जितने भी महापुरुष हैं सबको नमन करते हुए, आप सब लोग मुझे पूरे देश से बधाई दे रहे हैं जन्मदिन की। और मेरे लिए बधाई वही होगी, मेरे लिए उस मंगल कामना वही होगी कि आप सब लोग निकल के घर से बाहर समाज के काम करें। साहब ने एक नारा दिया था कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो मेरा निवेदन है कि सभी साथी, सभी युवा, जितने नौजवान साथी मुझे सुन रहे हों, वो घर से बाहर निकले और बहुजन समाज को एकजुट करने का काम करें। बहुजन समाज के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करें, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ें, उनको महसूस कराएं कि वो देश में कमजोर नहीं है, ताकतवर है। क्योंकि लोकतंत्र में, साहब काशीराम ने कहा जो मेरे आदर्श हैं, कि लोकतंत्र में सरों की कीमत होती है, लाठों की कीमत नहीं होती। मैंने परसों भी एक बात कही थी मुजफ्फरनगर से, मैं आज थोड़ा सा दुखी हूं। मैंने कहा था कि हथियारों के दम पे कोई भी सत्ता नहीं काबिज की जा सकती, कोई भी लड़ाई जीत जाती, लड़ाई विचारों से जीती जाती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब का दिखाया हुआ रास्ता जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वे, संवैधानिक वे में सारी चीजें की जाए। मैं बार बार कह चुका हूं लोगों को कि हम लोग कायर नहीं है, लेकिन संविधान का सम्मान करते हैं, इसलिए चुप रहते हैं देश में। इसलिए जब उत्पीड़न होता तो भी पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन मौजूदा हालात जो हैं, जिस संविधान की वजह से हमें न्याय मिलता है, उसी को खतरा है। तो आज मैं अभी एक दावत में गया था, दावतनामा था मुस्लिम भाइयों का मेरे पास, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप आइएगा, दुआ में शरीक होगा। क्योंकि आज भारत के अंदर बुलंदशहर यूपी के अंदर जो एक जिला है, वहां पर इज्तिमा चल रहा है, कौमी एकता का एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है मुस्लिम भाइयों का, और वो देश के अमन चैन के लिए, देश के संविधान की सुरक्षा के लिए। मुझे अच्छा लगा जब जाके उन्होंने दुआ में कहा कि हम देश के संविधान की सुरक्षा के लिए दुआ कर रहे हैं, इस देश के नौजवानों के लिए दुआ कर रहे हैं, इस देश के आर्मी के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो हमारी सुरक्षा करती है। उन्होंने भी आर्मी के लिए भी दुआ करी। तो मैं उस इज्तिमा में पहुंच तो नहीं पाया, माफी चाहते हो, लेकिन मैंने प्रयास किया कि मैं, हम लोग उन सब लोगों के लिए दुआ करें जो वहां इकट्ठा हुए हैं, वो यहां से पहुंचे, उनकी सलामती के लिए, उन्होंने जिस मुल्क के अमन चैन के लिए दुआ करें, उनकी दुआ कबूल हो। हमारा काम है आपसी प्यार भाईचारा बनाना, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि बहुजन समाज का जो कमजोर तबका, उसे एकजुट करके उनके लिए संघर्ष किया जा सके। अब मैं अपनी बात को रखूंगा। कल एक दुखद घटना हुई जिला सहारनपुर में, हमारे एक छोटे भाई ने एक बड़ी गलती की जिसका खामियाजा हमें से खोके भुगतना पड़ा। बड़ा दुखद था, लेकिन सिर्फ उसकी, मैं अब जो हो चुका उस पर बात नहीं रखना चाहता, मगर कहना चाहता हूं, मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, वो किसी चीज के पीछे भाग रहा था, उसको पाना चाहता था, लेकिन उसे पाने के लिए जो मेहनत उसे करनी थी उसने वो नहीं की। मैं निवेदन करूंगा सभी साथियों, नौजवान साथियों से, बहुजन समाज के जो नौजवान साथी हैं, कि आप किसी भी चीज के पीछे मत भागो। आप जितना जिस चीज के पीछे भागोगे उतनी तुमसे दूर भागते जाएगी। आप कामयाब हो जाओ, आप कामयाब बन जाओ, आप बहुत मेहनत करके अच्छे एजुकेशन करो, अच्छी शिक्षा लो, अपनी तकदीर खुद लिखो, कामयाब हो जाओ। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा, आपको दीपक हो, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने आप को संभालो, अपने परिवार को संभालो। तो मैं लिख कर देता हूँ, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसके लिए पूरी मेहनत से, शिद्दत से आप तैयारी करें, पूरी ईमानदारी से, उतना समय से दे, तो कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं जिसको आप पा नहीं सकते। जिन चीजों के लिए आप भाग रहे हैं, वो आपसे आगे भाग रहे हैं, वो कल आपके कदमों में पड़ी होगी, अगर आप पूरी ईमानदारी से वो काम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसके लिए। मैंने बताया कि जितमा माँ हो रहा है, उसके लिए मैंने मुबारकबाद, उनके लिए हम दुआ करते हैं, सलामती से जाएं और सलामती से आएं, और पूरे इस देश के मुस्लिम भाइयों के लिए दुआ करते हैं, पूरे बहुजन भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि वो इस देश के, मुल्क के अमन चैन के लिए, संविधान सुरक्षा के लिए हमारे कमजोर हाथों को मजबूत करें, हमारे साथ खड़े रहें। दूसरा,
मैं अब निवेदन करूंगा पूरी भीम आर्मी की टीम से, जो लोग भीम आर्मी से मेरा जन्मदिन मना रहे हैं पूरे देश में, कि केक काटना कोई जन्मदिन नहीं होता है। मैं चंद्रशेखर आजाद चाहता हूं। मैंने एक कहानी बड़ी मजबूती से देखी है, वो कहानी ये है, और मैं गंभीरता से कह रहा हूं, आप लोग सुने बड़े ध्यान से। इस देश में जब भी किसी महिला का पति जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जीवन बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि उसकी कोई मदद करने वाला नहीं रहता है। मेरा निवेदन है कि ऐसे लोग, ऐसी बहनों को उनका सम्मान करें, उनको चिन्हित करके जहां भी वो हों, उनके परिवारों को, क्योंकि उनके परिवारों की जो देख रेख है वो सही तरह नहीं हो पाती, उनकी पढ़ाई सही तरह नहीं होती। सर्दी का समय चल रहा है, तो मैं अपने पूरे जितने भी मेरे मेरे मुझे चाहे वो आदर्श मानते हो, समर्थक हों, या भीम आर्मी के जिससे जुड़े हुए लोग, उनसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, कि अगर आप अपने भाई से प्यार करते हो, उनका जन्मदिन मनाना चाहते हो, तो ऐसे तमाम गरीब बच्चों को, तमाम ऐसी बहनों को आज उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था करें, उनको मदद कराएं, और ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं, उनको महसूस कराएं, ऐसी बहनों को उनका सम्मान करें, क्योंकि हम इस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं करते। मैं दिल से अपने भाई से गुजारिश करूंगा कि वो महिलाओं का सम्मान करें, ठीक है? उसी महिला के पेट से हम लोग पैदा हुए, हमें चाहिए कि उसका सम्मान करना हमारा धर्म है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे गरीब बच्चों को, अगर उनकी पढ़ाई में कोई कमजोरी, उनकी आर्थिक मदद करा दें, जिन पे कपड़े ना हो, सर्दी का समय चल रहा है, सर्दी से कोई बच्चा हमारे बीच चले, कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे बीच से चला जाए, जिन भाइयों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उन माँ बाप की के लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था करें, और यही सबसे बड़ा जन्मदिन होगा मेरे लिए। मेरे लिए यही सबसे बड़ा जन्मदिन होगा कि आप लोग गरीबों की मदद करें, उनके साथ खड़े रहें, उनको जब भी उनको मदद की जरूरत हो उनको आप मदद कराएं, यही जन्मदिन होगा। इससे ज्यादा मुझे समाज से कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा मुझे किसी साथी से कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी उम्मीद है कि मेरे साथी मेरी इस बात को मान के आज कोई अनावश्यक खर्च ना करके, कोई पटाखे ना जला, कोई केक ना काट के, गरीबों की मदद करके, उन बेसहारों की मदद करके, कमजोरों की मदद करके, पूरे बहुजन समाज के किसी वर्ग के हो, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, ओबीसी हो, सबकी मदद करके, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, सबकी मदद करके आज इस जन्मदिन को मनाने काम करेंगे। और एक निवेदन है मेरा कि हमें अब संसद पे कब्जा करना है, हमें अब संसद पे कब्जा करना है। तो इसलिए मैं बहुजन समाज को एकजुट कर रहा हूं। बाबा साहब ने वो उंगली जो इशारा करते हैं, वो कहते हैं कि जाओ संसद पे जाके कब्जा करो। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अब समय आ गया संसद पे कब्जा करने का, तो बहुजन समाज एकजुट हो जाए, जिससे कि संसद पे कब्जा बड़ा आसान हो जाए, संसद में हमारी भागीदारी बहुत मजबूत हो जाए, ठीक है? तो ऐसा मेरा निवेदन है कि सब लोग इसके लिए तैयार रहें, बहुत कम समय बचा हुआ है, सब लोग तैयारी करें, बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बनाए, एकजुटता रखें, और जब ये लड़ाई हम लोग जीत सकते हैं। मैं फिर आपसे मिलूंगा, मैंने जो रिक्वेस्ट आपसे की है, महिलाओं का सम्मान करें और गरीबों की मदद करें, उनके बच्चों को, जो इस तरह की कंडीशन मैंने आपको बताया, उनके बच्चों को जो मदद आप कर सकते हैं, गर्म कपड़ों की, पढ़ाई के लिए किताबों की, आर्थिक मदद, वो करें। और जैसा मैंने कहा, मुस्लिम भाइयों को पूरे देश में, पूरे जहाँ इतमा और उनकी सुरक्षा के हल्ले हम लोग दुआ करते हैं, उनकी शांति के लिए दुआ करते हैं, जो उन्होंने अमन चैन की दुआ करी वो कबूल हो, संविधान की सुरक्षा की दुआ वो लोग कर रहे थे, मैं भी गया था, उनकी दुआ कबूल हो। और आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से मंगल कामना, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोगों ने मेरा, जो लोगों ने मुझे बधाई दी है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सब लोगों, जिन लोगों ने मुझे पूरे देश से, मेरे नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने, बहनों ने, जितने बधाई दी है, मंगल कामना की, उन सबको मेरा हाथ जोड़ के धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो आशाएं आपको मुझसे हैं, जो आशाएं आपने मुझसे लगाई, पूरी ईमानदार से साहब काशीराम की मूवमेंट को, बाबा साहब के सपने को, साहब काशीराम के सपने को, तथागत बुद्ध के सपने को, बोध में भारत के सपने को, ज्योतिबा फुले के पैरे साहब के सपने को, उसको पूरा करने के लिए मैं अपना तन मन धन बलिदान करके भी इस मूवमेंट को चलाता हूँ। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय बहुजन समाज, जय भारत। मैं आपको एक और चीज अवगत करा दूं, मैं साथियों चाहूंगा इसको बड़ा फॉलो करें, आप मेरी बात को मानते हैं, जय भीम के साथ जय भारत जरूर लगाएं। देश हमारा है, इस देश की जिम्मेदारी हमारी, देश की सलामती की दुआ हम लोग करते हैं, अमन चैन की दुआ हम लोग करते हैं, इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाने की बात हम लोग करते हैं। तो जय भीम के साथ जय भारत का नारा लगाएं, और बहुजन महापुरुषों को, जितने भी बहुजन महापुरुषों, उन सब का सम्मान करें, उन सब के लिए जो है, उन सबसे जो है आशीर्वाद प्राप्त करें, इसी के साथ जो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपनी माताओं बहनों का आशीर्वाद लें, सबका सम्मान करें, पूरे समाज का सम्मान करें, ऐसी मेरे साथ सबके लिए मंगल कामना। जय भीम, जय भारत, जय भीम आर्मी, जय बहुजन समाज।